Assalamualaikum, welcome to my channel BS Nursing for All. So today is the topic of discussion is culture media slides. How to prepare culture media slides and what type of culture media slides. So the objectives of our lecture is perform the procedure to prepare slides of culture media and follow the professional norms to prepare slides of culture media. Culture medium define. पहले हम समझते हैं कि कल्चर क्या होता है, मीडियम क्या होता है, इनोकुलेशन क्या होता है. कल्चर इज़ द टर्म गिवन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कल्टिवेटेड इन द लैब फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड स्टडिंग देम. कल्चर जो है ये हम कहते हैं कि जब हम किसी भी लैब में फॉर आइडेंटिफाई और स्टडी पर्पस के लिए जब हम लैब में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कल्टिवेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टडिंग दैम इज कॉल्ड कल्चर. मीडियम अब हम किसे कहते हैं, डिफरेंस क्या है कल्चर और मीडियम के दरमियान. मीडियम जो है ये हम कहते हैं ये वो कम्बिनेशन होता है इन्ग्रीडियंट्स का जिसमें हमारे पास जो कल्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को वो सपोर्ट करता है. वो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जिससे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है और उन्हें वो सारे इजेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन उनके रिप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं. है हमारे पास आता है कि अब जो मेन डिफरेंस है वो है कल्चर जो है हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं. मीडियम जो है हम उन कल्चर जो है वो कल्टीवेशन हम उस मीडियम में करते हैं जिसमें उसको अवेलेबल सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हो फॉर देयर ग्रोथ. फिर आता है इनोकुलेशन. हम किसे कहते हैं, जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स इनटू मीडियम, जब हम किसी भी माइक्रोब को लेके मीडियम में रख देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, इसे हम कहते हैं इनोकुलेशन. यानी कि एक जगह से लेके किसी मीडियम में इनोकुलेट यानी कि रख देना. फिर हमारे पास आता है रीज़न फॉर बैक्टीरिया कल्चर. बैक्टीरिया को हम कल्चर क्यों करते हैं, उनकी कल्टीवेशन उनकी ग्रोथ जो है उनको क्यों करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं. हमारे पास आता है सब्सिक्वेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस. फर्स्ट जो हमारे पास आता है कि अगर हमें कोई भी क्लिनिकल पेशेंट आया हो और उसकी हमें अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ हो जिसे हम डायग्नोस करना चाह रहे हों लैब टेस्ट की मदद से, तो उसे हम बैक्टीरियल कल्चर के टेस्ट के ज़रिए से आइडेंटिफाई करते हैं. फिर आता है जिसमें इस जो हम ज़्यादातर पैरासाइट्स जो हैं उनकी जो रिलेटेड डिजीज़ होते हैं उनकी ग्रोथ में जो हमारे पास हेल्प करता है. फिर आता है स्टडिंग इट्स मॉर्फोलॉजी एंड आइडेंटिफिकेशन. उस बैक्टीरिया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं बैक्टीरिया कल्चर. और बैक्टीरिया हैज़ टू बी कल्चर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंटीजन फ्रॉम डेवलपिंग सेरोलॉजिकल एसे फॉर वैक्सीन. और जब हम वैक्सीन्स प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए भी हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं कल्टीवेट करते हैं ताकि उनके एंटीजन्स हैं जो उससे हम वैक्सीन बना सकें. सेरोलॉजिकल एसे फॉर वैक्सीन. सेरोलॉजिकल जो होता है ये जो हमारे पास टर्म है सेरोलॉजिकल, ये हम कहते हैं स्टडी ऑफ सेरम. जब हम सेरम की स्टडी करते हैं, सेरम जो है इसमें हमारे पास आता है आरबीसीज होते हैं और डब्ल्यूबीसीज, तो इसमें हमारे पास आता है कि जब हम सेरम की स्टडी करते हैं ब्लड में तो उसमें हम कहते हैं सेरोलॉजिकल. फिर आता है सर्टन जेनेटिक स्टडीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ द सेल्स ऑल्सो नीड दैट बैक्टीरिया बी कल्चर इन विट्रो. फिर आते हैं जब हम वेरियस जेनेटिक स्टडीज़ करते हैं या फिर सेल में मैनिपुलेशन करते हैं तो उसके लिए भी हमें बैक्टीरिया को कल्चर करने की ज़रूरत पड़ती है. एक हमारे पास आता है कि इन विट्रो होता है और एक हमारे पास होता है इन वीवो. एक विट्रो होता है एक वीवो होता है. विट्रो जो होता है हमारे पास आता है जो हम लैब में करते हैं कल्चर करते हैं, और वीवो हमारे पास आता है जब हम किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कल्चर करते हैं. ओके फिर आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. हमारे पास आता है फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो होती है वो आता है कि टेम्परेचर जो उनकी ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो होना चाहिए, पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए जिस पे बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें.
फिर आता है रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए. अब केमिकल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत होती है, वो न्यूट्रिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है जो कि उनकी ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ट्रेस एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास. फिर आता है टाइप्स ऑफ मीडिया. हमारे पास आता है कि हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, एक हमारे पास आता है केमिकली डिफाइंड मीडिया होता है, एक हमारे पास कम्प्लेक्स मीडिया होता है. केमिकली डिफाइंड मीडिया हम किसे कहते हैं, एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन जो होती है इसमें हमें पता होती है. केमिकली डिफाइंड मीडिया हमारे पास जो मीडियम में एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन है वो उसके बारे में हमें पता होता है. कम्प्लेक्स मीडिया हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट एंड डाइजेस्ट ऑफ यीस्ट प्लांट और मीट और प्लांट्स. कम्प्लेक्स मीडिया में हमारे पास जो है बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, यीस्ट होता है, मीट होते हैं और प्लांट्स वगैरह होते हैं. इसमें हमें पता नहीं होता कि इस मीडियम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, जबकि केमिकली डिफाइंड मीडियम में हमें एग्जैक्ट सारी कंपोजिशन पता होती है कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं. फिर हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ मीडियम में अ केमिकली डिफाइंड मीडियम फॉर ग्रोइंग अ टिपिकल कीमो हेटरोट्रॉफिक सच एज ई कोलाई. अगर हमें किसी केमिकली डिफाइंड मीडियम में जिसमें हमें केमिकल कंपोजिशन पता हो मीडिया की, उसमें हम ग्रोथ करना चाह रहे हैं किसी भी कीमो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, जैसे कि ई कोलाई, ई कोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो हमारे पास आता है कि उसमें हमने कौन कौन से उस मीडियम में कंस्टिट्यूएंट्स डालने हैं और कितनी अमाउंट में डालने हैं. सो दीज आर द लिस्ट. ग्लूकोज जो है वो हम 5 ग्राम डालते हैं, अमोनियम फॉस्फेट NH4 H2PO4 1 ग्राम, सोडियम क्लोराइड NaCl 5 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O 0.2 ग्राम, पोटाशियम फॉस्फेट K2HPO4 1 ग्राम, वाटर 1 लीटर. तो इन चीज़ों की हमारे पास ज़रूरत होती है. फिर हमारे पास आता है कि कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अ कम्प्लेक्स मीडिया. अब हमें किसी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को कम्प्लेक्स मीडियम में ग्रोथ करवाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में ज़रूरत होती है. तो पहला आता है पेप्टोन्स, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को हम पेप्टोन्स कहते हैं, 5 ग्राम की ज़रूरत होती है. बीफ एक्सट्रैक्ट हम 3 ग्राम डालते हैं, सोडियम क्लोराइड 8 ग्राम, एगर 15 ग्राम एंड वाटर 1 लीटर. टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया. कल्चर मीडिया की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास आता है कि हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, सेलेक्टिव मीडियम, डिफरेंशियल मीडिया एंड एनरिचमेंट मीडिया. सेलेक्टिव मीडिया में हमारे पास आता है कि इसमें हम क्या करते हैं. अब इन तीनों में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन तीनों में फ़र्क क्या है. सेलेक्टिव मीडिया में हमें सिर्फ सेलेक्टेड माइक्रोब्स की ग्रोथ करवानी होती है जो कि हमें चाहिए होती हैं. जो भी अनवांटेड माइक्रोब्स जो होती है उनकी ग्रोथ को वो सप्रेस कर लेता है, उसकी ग्रोथ शो नहीं होती, सिर्फ जो हमें चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ होगी. डिफरेंशियल मीडियम में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम डिफरेंट माइक्रोब की जो कॉलोनीज़ होती हैं उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हैं. इनरिचमेंट मीडियम में हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनकरेज करते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा मीडिया इनरिचमेंट यानी कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. जो हमें माइक्रोब चाहिए उस माइक्रोब की ग्रोथ को वो इनकरेज करते हैं. दीज आर 3 मेन टाइप ऑफ मीडिया. इसमें जो 2 मेन है वो है सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया. सेलेक्टिव मीडिया जो होती है उसमें हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं माइक्रोब्स की, जो हमें माइक्रोब चाहिए होते हैं वही ग्रो करेंगे. डिफरेंशियल मीडिया में हम बहुत सारे जो उसमें जितने भी माइक्रोब्स मौजूद हैं उनके दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग कॉलोनीज बनती हैं. एग्जाम्पल्स हमारे पास सेलेक्टिव मीडिया की क्या, इसमें ब्लड एगर आते हैं, मेकॉन की एगर, हेक्टियन, एंटेरिक एगर एंड मैनिटॉल सॉल्ट एगर. और डिफरेंशियल मीडिया में ईओसीन, मिथाइलिन ब्लू, मेकॉन की एगर और मैनिटॉल सॉल्ट एगर. मेकॉन की एगर और मैनिटॉल सॉल्ट एगर जो होते हैं ये हमारे पास दोनों डिफरेंशियल भी है और सेलेक्टिव भी है. फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ इनरिचमेंट मीडियम में हमारे पास चॉकलेट एगर और ब्लड एगर आता है. ब्लड एगर में हमारे पास क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं. हमारे पास आता है कंटेन करता है 5-10% मेमेलियन ब्लड, यूजुअली शीप और हॉर्स. इसमें हम ब्लड लेते हैं 5-10% मेमेलियन ब्लड लेते हैं, वो शीप भी हो सकता है, हॉर्स भी. हम ज़्यादातर यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं उसमें हम हॉर्स और शीप का लेते हैं. कंटेन करता है मीट एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें NaCl होता है एंड एगर भी होता है. फिर आता है यूज टू डिटेक्ट हेमोलाइटिक एक्टिविटी. अब ब्लड एगर जो है, ब्लड जो मीडियम है जो कि हमारे पास एनरिचमेंट मीडियम में आता है, ये हम करते किस लिए हैं, ये मीडिया किसकी ग्रोथ सपोर्ट करती है. हमारे पास एक्चुअली हमें हेमोलाइटिक एक्टिविटी शो कराती है RBCs की. हेमोलाइटिक एक्टिविटी क्या होती है कि RBCs जो होते हैं उनकी हेमोलाइसिस यानी कि वो ब्रेक डाउन कैसे होते हैं.
अल्फा हेमोलाइसिस, इसमें हमारे पास थ्री टाइप ऑफ हेमोलाइटिक एक्टिविटी होती है। एक होती है अल्फा हेमोलाइसिस। अल्फा हेमोलाइसिस में आरबीसी जो सेल्स हैं वो पार्शियली जो है वो लाइस हो जाते हैं, यानी कि उनकी पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाती है। बीटा हेमोलाइसिस में हमारे पास आता है कि आरबीसी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और गामा हेमोलाइसिस में हमारे पास आरबीसी की कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होती। फिर आता है मेकोनकिएगर। मेकोनकिएगर में ये कंटेन करता है बाइल सॉल्ट्स होते हैं इसमें, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। क्रिस्टल वायलेट डाई होता है, न्यूट्रल रेड डाई होता है, जो कि स्ट्रेन करता है माइक्रोब्स को, जो कि लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, जिनमें हमारे पास वो माइक्रोब जो कि लैक्टोज की फर्मेंटेशन करते हैं उनको न्यूट्रल रेड डाई जो है वो स्टेन हो जाता है। लैक्टोज होते हैं और पेप्टोज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में शो हो रहा है कि लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज जो होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रल रेड डाई में आ जाते हैं, जबकि नॉन लैक्टोज फर्मेंट कॉलोनीज जो होते हैं वो क्रिस्टल वायलेट डाई में आ जाते हैं। फिर आता है मैनिटोल साल्टेकर। ये कंटेन करता है हाई कंसनट्रेशन होती है इसमें, 7.5 to 10% ऑफ सॉल्ट होता है NaCl। मेकिंग करते हैं सेलेक्टिव फॉर स्टेफेलोकोका एंड माइक्रोकोका। मैनिटोल साल्टेकर जो होता है इसमें हमारे पास स्टेफेलोकोका और माइक्रोकोका जो है ये एक सेलेक्टिव मीडियम में अगर हम लें तो स्टेफेलोकोका और माइक्रोकोका की सेलेक्शन करेगा, उनकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर हमारे पास आता है अन इनोकुलेटेड है स्टेफेलोकोका, एपिडर्माइडिस स्टेफेलोकोकाइस ओरियस आ गया है। यहाँ भी एक में हमने इनोकुलेशन की तो स्टेफेलोकोकस एपिडर्माइडिस की ग्रोथ सेलेक्टिव हो गई, एक में हमने स्टेफेलोकोकस ओरियस की सिलेक्शन कर ली और एक अन इनोकुलेटेड था। फिर आता है इयोसीन मिथाइलिन ब्लू। ये सेलेक्टिव स्टेन है फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। इसमें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सिलेक्शन करते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को। जो भी हमारे पास ऐसा मीडियम होगा जो कि ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को सेलेक्ट इनकरेज करेगा तो वो ग्राम नेगेटिव के लिए इनहिबिशन होगा, और जो ग्राम नेगेटिव के लिए सेलेक्टिव होगा वो ग्राम पॉजिटिव के लिए इनहिबिशन होगा। और प्रोवाइड करता है कलर इंडिकेटर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट फर्मेंट लैक्टोज। और ये हमारे पास कलर इंडिकेटर देता है जो कि हमारे पास जिसे हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं कि जो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं जैसे कि ई कोलाई, और वो जो कि लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते जैसे कि सेल्मोनेला एंड शिजेला। फिर आता है चॉकलेट टाइगर। ये नॉन सेलेक्टिव इनरिच ग्रोथ मीडियम है जो कि कंटेन करता है रेड ब्लड सेल्स, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इसे हम लाइस्ड करके जो उनकी ब्रेक डाउन हो चुकी होती है बाई हीटिंग। फिर आता है लॉयनस्टीन जेंसन मीडियम। ये हम कल्टीवेशन एंड डिफरेंशिएशन माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज, माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ जो है इनकी जिनमें हमारे पास आते सेल वॉल नहीं होता उनकी कल्टीवेशन और डिफरेंशिएशन के लिए हम लॉयनस्टीन जेंसन मीडियम यूज़ करते हैं। फिर आता है म्यूलर हिंटन एगर MHA। ये हम एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए, यानी कि हमारे पास आता है कि म्यूलर हिंटन एगर जो होता है ये हमारे पास ज़्यादा क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। ये ना ही सेलेक्टिव में आता है ना ही डिफरेंशियल में आता है, यानी कि इस मीडियम में अगर हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करेंगे तो वो सारे ही ग्रो करेंगे, यानी कि उनमें ग्रोथ होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चर मीडिया। द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कल्चर मीडिया विल कम सून। थैंक यू। अल्लाह।